टूटने लगे घोंसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज हमारी दिल्ली पुलिस की नेक्स्ट क्लास है। हमने पिछली क्लास में क्यू के बारे में पढ़ा था, घन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है घना, क्यूबाइड। देखो, एक होती है क्यूब और एक होती है क्यूबाइड, और क्यूब और क्यूबाइड यानी कि घन और घना, इन दोनों में सबसे पहले अंतर समझो कि घन तो एक चाक का डब्बा होता है, चाक का डब्बा होता है, घन होता है, ठीक है। और एक कोई कमरा है, कोई हाल है, लकड़ी का गुटका है, ये घना क्या करके होती है। घन जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, घन तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो घना होता है इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ये घना होता है, ठीक है। घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और एक घना की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन होता है एल भी बराबर है, बी भी बराबर है और एच भी बराबर है। तो चूंकि एल गुणा बी गुणा एच, बट तीनों इज इक्वल, मान लो तीनों बराबर है, तो एक घन का आयतन एक ही तीन होता है, और घनाभ का जो वॉल्यूम है, आयतन है, ये एल गुणा बी गुणा एच होता है, ठीक है। घन घन का जो विकर्ण होता है, जो विकर्ण होता है घन का, वो एल बी एच, तो तीनों बराबर है, ठीक है। तो अंडर रूट तीन ए, और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है एल लेंथ की स्क्वायर, बर्थ की स्क्वायर और हाइट की स्क्वायर, और इसका निकाल दो अंडर रूट, वो इसका है। तीनों हमने ए मान लिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तीनों हो गया, ठीक है। तो तीन ए स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए रूट तीन या अंडर रूट तीन ए। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ये होता है चार ए स्क्वायर, और एक घनाभ का वक्र पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठ को बोलते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल। चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है टू इंटू एच, कर सकते हो टू गुना हाइट इंटू एल प्लस बी। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर होता है, और इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। तो ये तो प्रटाफिकेशन की बात हो गई, घन और घना। अब एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि जो घन होता है इसमें 6 वर्ग होते हैं और इसमें 6 आयत होते हैं। आयत की हमारे सामने भुजा बराबर होती है, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती है। इसमें 12 रेखाएं होती हैं घन में, ठीक है, और इसमें क्यूबाइड होती है, इसमें भी 12 रेखाएं होती हैं। इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं घन में, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसमें भी 12 शीर्ष होते हैं और इसमें भी 12 शीर्ष। ये तीनों भुजाओं की आकृति चाक के डब्बे की आकृति हो गई। ये कोई भी हाल है, कोई कमरा है, कोई लकड़ी का गुटका है, जिसकी तीनों भुजाएं एल बी एच यदि अलग अलग है, दैट इज क्यूबाइड, एंड तीनों भुजाएं यदि इक्वल है तो दैट इज क्यूब, घन होता है। एक कमरे की लंबाई, देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे, कोई कमरा है, इस कमरे की जो लंबाई है, इस कमरे की लंबाई 5 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है, और इसमें ऊंचाई दे रखी है कि इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, ये 4 मीटर है, ठीक है। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर
चारों दीवारों पर सफेदी करने का व्यय क्या होगा, खर्चा क्या होगा, सफेदी करने का खर्च बताना है क्या खर्च होगा। अब सुनो, चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, दैट इज क्यू पाई। चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो सबसे पहले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अब ये हो गया 4 × 8 और 5 और 3 8.5 पॉइंट 10। ठीक है, 4, 5 और 17 = 85, 1768 ये आ गया 68 वर्ग मीटर। अब ये तो आ गई चार दीवार का क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर पे 20 रुपए का खर्चा है, तो 68 वर्ग मीटर पर क्या खर्चा आएगा, गुणा में मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो 8 × 16 6 × 12 1360 होगा। तो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर टोटल इसका जो एरिया आ गया, चार दीवारी का क्षेत्रफल आ गया वो 68 वर्ग मीटर आ गया, और 1 वर्ग मीटर पर 20 रुपए खर्च होता है, तो 68 पर कितना हो जाएगा, 1360। एक क्वेश्चन दे रखे बढ़िया, एक घनाभ के आकार का, घनाभ आकार दीर्घ संधि है, एक घनाभ के आकार का कोई पानी की टंकी है। ठीक है, पानी की टंकी है, इसमें 216 लीटर पानी है, 216 लीटर पानी है इस टंकी में। ठीक है, अब इसमें टंकी की विशेषताएं बताएंगे कि इसकी जो गहराई है, गहराई हमेशा ऊंचाई होती है, इसकी जो गहराई है लंबाई का 1/3 है और जो चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है यह है लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है टंकी की लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गहराई जो ऊंचाई है लंबाई का 1/3 है। लंबाई हमने मान ली एक्स है, तो गहराई हाइट होती है, इसकी एक्स की 1/3 का मतलब गुणा होता है, एक्स का 1/3 यानी 1/3 आ गया। और जो ब्रथ चौड़ाई है ये कह रहा है कि इनके अंतर का, लंबाई और चौड़ाई के अंतर का मतलब गुणा, अंतर का 1/3 का 1/2 का मतलब गुणा होता है। अब ये आ गया 3x में से 1 से x घटाओगे 2x/3 और गुणा 1/3 और गुणा 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल, 3 × 9 यानी कि इसकी चौड़ाई आ गई x/9। अब ये पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इसका आयतन हो गया, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये बराबर 216 दे रखा है। लंबाई हमने x मान ली, चौड़ाई हमने निकाल ली x/9 और ऊंचाई इसके 1/3 है तो x/3 और बराबर 216। x तीनों को गुणा करेंगे, 1 पावर ये घात ये, तो x की पावर हो गई 3 और बराबर 216 और गुणा 9 × 27। एक्स निकालेंगे तो ये जो क्यूब है ये इधर क्यूबाइड में जाएगा, घनाभ में जाएगा, ऐसे घनमूल निकल जाएगा इसका। 216 का घनमूल 6 और 27 का हो गया 3, तो इसकी जो लंबाई है वो 18 मीटर आती है। इसको ऐसे निकाल, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा हमने वैसे किया है और कुछ नहीं किया। ये 216 लीटर इसमें पानी है तो ये इसका आयतन है। आयतन में मैंने बताया था कि क्षेत्रफल और आयतन में एक ही अंतर होता है, क्षेत्रफल में केवल 2 डायमेंशनल होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, और आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, जिसमें ऊंचाई होती है उसका आयतन निकाला जाता है। लकड़ी है, लकड़ी के एक बक्से
कि एक बक्से, लकड़ी के एक बक्से का माप, एक बक्से का माप 20 सेंटीमीटर ठीक है गुणा 12 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लकड़ी की मोटाई, जो लकड़ी है इस लकड़ी की जो मोटाई है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इस बक्से को, इस बक्से को बनाने में, इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का, लगी लकड़ी का आयतन बताना है। अब सीधी सी बात यह है कि एक बक्सा है, कोई भी बक्सा, और बक्सा क्योंकि हमेशा घराब के आकार का होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, तो ये तो बक्से का आयतन हो गया, और लकड़ी की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये लकड़ी सहित है। सीधी सी बात है, लकड़ी सहित इसका आयतन क्या होगा, बक्से का ये आयतन हो गया 20 गुना 12 और गुना 10, ये 10 सेंटीमीटर। अब केवल बक्से का निकालोगे तो लकड़ी का, ये जो इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, लकड़ी की जो मोटाई 1 सेंटीमीटर है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तीनों में घट जाएगी, तो बक्से का आयतन क्या आ जाएगा, बक्से का आयतन आ जाएगा 19 गुणा 11 गुणा 9 ठीक है। लकड़ी सहित आयतन में से केवल बक्से का घटाओगे तो ये केवल लकड़ी का आयतन आ जाएगा, इसके आयतन में से ये आयतन जब घटाओगे तो वो केवल और केवल लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन ये आ गया 12 × 24 2400, तो ये आ गया ठीक है, ये तो 2400 आ गया लकड़ी सहित, और माइनस केवल बक्से का ये निकाल सकते हो 11 × 99 को 19 से गुणा करेंगे, 19 × 171 और भाई 19 × 171 और 171 81 और 7 88 1881 आ गया, और जब 1881 इसमें से घटाओगे तो 500 और ये 519 घन सेंटीमीटर, ये केवल लकड़ी का। मोटी बात ये है कि इस लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जाती है, एक ही चौड़ाई और एक ही ऊंचाई, कब, जब इसमें लकड़ी लगी हुई है, और केवल लकड़ी का निकालेंगे तो लकड़ी सहित का निकाल के उसमें से केवल संदूक का बक्से का निकालेंगे तो बाकी जो बच गया वो केवल लकड़ी का बच जाएगा। इसको ऐसे बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 × 6 × 3 इस मीटर की 3, ये इसका आयतन हो गया, के आकार का एक कमरा है, कमरे में रखे जाने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या है, बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या है। देखो कोई कमरा है और ये कमरा है, ये 6 × 6 × 3 का है, 6 मीटर लंबाई हो गई, 6 चौड़ाई हो गई, 3 ऊंचाई हो गई, तो बड़े से बड़े जो बांस की लंबाई, बड़े से बड़े छड़ की लंबाई ठीक है, छड़ी की लंबाई, बड़े से बड़े बांस की लंबाई, या फिर तुम्हें कहें इस कमरे का विकिरण बताओ, तो चूंकि ये कमरा हमेशा कमरा घनाभ के आकार का होता है, तो इसका जो विकिरण है कॉर्नर से कॉर्नर पे ठीक है, तो ये होता है L2B2H2 होता है, तो ये विकिरण बताएंगे, L क्या है हमारे पास 6, B क्या है 6, H क्या है 3, और तीनों को वर्ग करके जोड़ के अनुरूप निकाल देंगे, 36 और 36 72 72 और 9 81, तो बड़े से बड़े जो छड़ की लंबाई आएगी वो 9 मीटर आएगी।
इसमें बड़े से बड़े बांस की लंबाई भी पूछ सकते हैं तो भी तुम्हें विकिरण निकालना है, बड़े से बड़े छड़ की लंबाई तो भी विकिरण निकालना है, और कमरे का विकिरण पूछे तो विकिरण निकालना ही है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का वर्ग करके जोड़कर इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक आयताकार चादर है, एक आयताकार चादर है, ठीक है, एक आयताकार चादर है, इसकी लंबाई चालीस सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है। अब क्या किया कि इस चादर के चारों कोनों में, इस चादर के चारों कोनों में, चार जो कोण होते हैं कॉर्नर होते हैं, चारों कोनों में 5 सेंटीमीटर माप के, 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटे, वर्गाकार टुकड़े काटकर, वर्गाकार टुकड़े काटकर जो शेष चादर है, जो शेष चादर है उससे एक खुली संदूक बनाते हैं, उससे खुली संदूक बनानी है। संदूक का आयतन होता है, इसमें तुम्हें संदूक का आयतन होता है। अब सो एक आयताकार चादर है, यह आयताकार चादर है, ठीक है, इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। अब इसके चार कोनर हैं, इन चारों में से वर्गाकार 5-5 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे हैं, यहां से 5 काट दिया, यहां से 5 काट दिया, यहां से 5 काट दिया और यहां से 5 काट दिया। अब इसकी एक संदूक बनानी है, खुली संदूक बनानी है, तो इस संदूक का इसका आयतन बताओ, इसका आयतन बताओगे तो देखो लंबाई तो क्या हो गई भाई, 5 ये कट गया, 5 ये कट गया, 5 ये कट गया, 5 ये कट गया, तो लंबाई में से 5 और 5 10 कट गई, लंबाई तो बच गई 30, ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई टोटल 30 है तो 5 ही कट गया, 5 ही कट गया, तो 30 में से 10 कट गया तो चौड़ाई बच गई 20, और इसके जो ये 5, अब इसको क्या कर दिया, टुकड़ा काटने के बाद जो शेष बच गई ये चादर बच गई, तो अब इसकी ऊंचाई जो हाइट है वो बच हो गई 5, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई 5 ही है, 5-5 काट दिए, तो इसकी जब संदूक बनाई तो ऊंचाई इसकी 5 हो गई। अब इसका आयतन बताना है, आयतन होता है L गुना बी गुना एच, एल क्या हमारे पास 30, बी क्या हमारे पास 20 और हाइट क्या हमारे पास 5, 20 25 100 और 300 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर कितने, अच्छा 600, 20 25 100 3000 घन सेंटीमीटर, 3000। तो इसमें आयताकार है, 5-5 सेंटीमीटर के ये कॉर्नर काट दिए, टुकड़े काटते हैं, तो ये जब संदूक बढ़ाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब कोई घनाभ है, अब ये थोड़ा सा है ना सीपीओसीजी लेवल के क्वेश्चन है, ये तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में। एक कोई घनाभ है, घनाभ है, इस घनाभ की जो लंबाई है, लंबाई में 20% वृद्धि कर दी, लंबाई में 20% वृद्धि कर दी, उसके बाद जो चौड़ाई है, इसकी जो घनाभ की चौड़ाई है इसमें 30% वृद्धि कर दी, ठीक है, और उसके बाद ऊंचाई है, इस ऊंचाई में 10% वृद्धि कर दी। तो अब इसमें पूछा गया है को इसका जो आयतन है, आयतन कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा, इसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अब सुनो, इसका जो आयतन है
वो एक्स जमा वाई जमा जेड जमा एक्स वाई जमा वाई जेड और जमा जेड एक्स अपॉन 100 और जमा एक्स वाई जेड अपॉन 100 गुणा 100। हमेशा जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तीनों में वृद्धि करोगे तो इसका जो आयतन है इतने परसेंट x जमा वाई जमा जेड जमा एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स जमा एक्स वाई जेड, इसको आप इंटू में ब्रेकेट में भी ले सकते हो। वैसे भी x की जगह लिखोगे 20, y की जगह 30 और z की जगह 10, ठीक है। जमा एक्स वाई को गुणा करो 600, वाई जेड को गुणा करो 300, जेड एक्स को गुणा करो 200 और अपॉन 100 और यहां जमा इन तीनों को गुणा करो 600, 6000 और अपॉन 100 गुणा 100। अब ये सूत्र याद है तो इसमें एक मिनट भी नहीं लगेगा, बस याद है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गई, ये 600, 300, 900 तो 1100 बटे 1100 और बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 11 इसमें जोड़ दो, 30, 20, 50, 60 और 11, 71 और प्लस 6/10 इतनी परसेंट। एक और छोटी सी बात है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यदि नोट करके लिखनी है, यदि कोई गनाब है, इस गनाब की जो भुजाएं हैं, यदि भुजाएं गुणा में वृद्धि होती है, गुणा में वृद्धि होती है, गुणा में वृद्धि होती है, तो इसका जो आयतन है यह है कितने परसेंट, इसमें आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो इसके लिए जैसे लंबाई को 3 गुना कर दिया, चौड़ाई को 2 गुना कर दिया, ऊंचाई को 5 गुना कर दिया, तो इसका जो आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो ये परसेंट बढ़ जाएगा एक्स वाई जेड माइनस 1 और गुणा 100%। इसके गुणा में 100 कर देंगे, आंसर में परसेंट लगा देंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको परसेंट में डिनोट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि 9 मीटर लंबाई और 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी, 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार की विशेषता हो गई लंबाई 9 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर और चौड़ाई हो गई इसकी 20 सेंटीमीटर। इस दीवार में 30 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं, विमाएं होती है भुजाएं, विमाओं की ईंटों का इस दीवार में, इन ईंटों का प्रयोग किया गया है, ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि ईंटों की संख्या क्या है। मैंने बताया था जब भी क्षेत्रफल में बताया था, जब भी किसी की संख्या निकालनी हो तो एक तरीका ध्यान रखना है, जो बड़ी आकृति होती है, जो बड़ी आकृति होती है इसके आयतन में क्षेत्र हो तो क्षेत्रफल, आयतन हो तो आयतन, बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतनों का भाग दिया जाता है। बस ये संख्या जब भी किसी की पूछे तो, क्षेत्रफल में कई प्रकार के क्वेश्चन करवाए हमने, तो बड़ी आकृति में ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो हमेशा छोटी इकाई बराबर की जाती है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर तो ये हो गया लंबाई, चौड़ाई में 600 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई 600, चौड़ाई हो गई 20 सेंटीमीटर, ये बड़ी आकृति का आयतन हो गया। छोटी आकृति का आयतन है लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये उनकी ईंटों की संख्या है।
जब भी संख्या निकालनी हो तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटे आकृति के आयतन का भाग दिया जाता है। बस ये दो जीरो काट दो, इसकी ये कट गई, तीन या नौ कट गया, तीन पांच पंद्रह कट गया, और पांच चौका बीस कट गया, छह चौका 2400 युक्त भाग हो गया। तो घनाभ से संबंधित टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। थैंक्स।